उसके हिसाब से मत चल आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं कोई नोटिफिकेशन आया आप कोई काम कर रहे हैं क्यों पहले काम कर लीजिए बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे अगर आप पांच मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं तो दो घंटा बर्बाद कर दिया आपको हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का एक ही तरीका है सबसे छोटे लेवल पर ले जा करके उस गोल को तोड़ दो यानी वो गोल बहुत बड़ा है उसको ब्रेक डाउन करो उसके सबसे पहले स्टेप पर आ जाओ कि उसको अचीव करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, है जा करके पैसे दे दो. अब ना तो फंसा दो अपने को दिमाग ये लगाओ कि अपने को कैसे फंसाया जाए जब हम फंस जाते हैं ना तो फिर हमको वो काम करना ही पड़ता है देन देर इज नो लुकिंग बैक जब तक आप सोच रहे हो तब तक, तक सोच रहे हो उसको बोलते हैं कि आप सोचते चले जा रहे हो अपने माइंड में मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा और प्रोग्रेसिनेट हो रहा है वो चीज टलती चली जा रही है तो उसको छोटे से छोटे लेवल पर ब्रेक डाउन करके उसको कर दो दैट इज नंबर वन और जैसे ही करना शुरू करते हो कोशिश करो कि उसको जब तक कि आप सही से नहीं कर लेते हो उसको छोड़ना नहीं है तो आपकी लेजीनेस भी खत्म हो जाएगी कई लोगों को तो हमने देखा जो सप्ताह में कुछ भी नहीं करता वो भी संडे को आराम कर रहा है वैसे कहा भी जाता है कि अगर कोई काम आपको करवाना है ना तो ऐसे किसी इंसान को दो जो बिजी है हाँ। ऐसे आदमी को मत दो जो खाली है ये परफेक्ट एकदम किसी को भी आप देखिएगा जिसको आप कहते हैं कि मतलब थोड़ा ठीक ठाक आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत आगे निकल वो एक काम को खत्म करने के बाद कभी आराम नहीं करेगा एक काम खत्म हुआ उसको लगेगा हाँ एक खत्म हो गया अब दूसरा करना चाहिए और वही जिसको देखिएगा एक खत्म हो गया और आराम करना चाहिए कभी नहीं लाइफ में आखिरी सांस तक हाँ। so, सर यहाँ पे सब हिंदी में पूछते इंग्लिश में पूछते मैं भोजपुरी में पूछू जो भाषा ठीक लगे तो पूछ दो <laughs> हाँ <चार। laughs> सर ये पूछे के चाहते नहीं कि जिसे हमने क्या पढ़ाई करी नहीं सर तो कभी कभी डेली टारगेट्स जो होला वो तो कम्प्लीट ना होला अगर टारगेट्स कंप्लीट भी होला तो फिर ऐसा इरिटेशन या फिर वो एनजाइटी या फिर क्या और करना है या फिर अभी नहीं हुआ हमेशा तो वो कम कैसे जाए? देखिए टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर ले कोई लड़का आठ घंटा पढ़ रहा है कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया उसको देख के आठ घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाइए छोड़ देगा <laughs> <laughs> तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं अगर आपने एक एक घंटे को बना लिया कि हम एक घंटा पढ़ सकते हैं अगले एक हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए जिम में कैसे करते हैं लोग पहले दिन उठा लीजिएगा एक कुंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा <laughs> तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए हर इंसान की क्षमता अलग है कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा पैर तोड़ के बैठ जाएगा सर <laughs> 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 का मोटिवेशन देख के इसका मतलब क्या ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएंगे ढकेल देंगे तुमको हालांकि ऐसा कर देते हैं लेकिन ऐसा करिएगा लोग नहीं क्षमता पता होना चाहिए <laughs> आपके अंदर एंजाइटी हो रही है है कि मैंने कर तो लिया है। आप ये नहीं कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर मेरे को एंजाइटी हो रही है आप ये कह रहे हो मैंने काफी कुछ कर लिया है फिर भी एंजाइटी हो रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है तो बेसिकली आपको यह देखना है कि अगर आपके अंदर एंजाइटी हो रही है दैट मीनस यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट आप एक अच्छे स्टूडेंट हो क्यों क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं उनको पढ़ने के नाम से एंजाइटी होती है तो आपको एंजाइटी हो रही है कि मैंने पढ़ लिया दिन में मानो आठ घंटे का आपने टारगेट सेट किया और छह घंटे पढ़ लिया या मान लो आठ घंटे भी पढ़ लिया फिर भी एंजाइटी हो रही है कि मैंने दस घंटे नहीं पढ़ा तो ये तो अच्छी क्वालिटी है ना ये तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की क्वालिटी है क्योंकि एंजाइटी उसी को होती है जो केयर करता है जिसको परवाह है उसी की तो एंजाइटी होती है जैसे माँ को अपने बच्चे की जैसे एक माँ को अपने बच्चे के जैसे एक माँ को अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है हंस लो हंस लो मजाक उड़ा लो कोई बात नहीं एडिट कर देंगे इसको हम हाँ। <laughs> जैसे एक माँ है उसको अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है थोड़ी सी भी खराब हो जाए उसको एंजाइटी होती है चाहे बच्चा ठीक भी है डॉक्टर को नहीं होती है क्यों क्योंकि माँ को उस बच्चे से प्यार है तो दैट मीन कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो इस वजह से आपके अंदर एंजाइटी हो रही है विच इज नॉर्मल जहां पर प्यार मोहब्बत होती है वहां पर थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होती ही है ना समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ रहे हो ना मैं कहा जा रहा हूं <laughs> जब वो किसी और से बात करती है तो एंजाइटी होती है ना